उन दोनों लड़कों को सुबह होने से पहले अपनी हिरासत में लो, फिर उसे भगाओ। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में। डॉक्टर साहब को क्या हुआ? शेखर ने वीरभद्र के आदमियों को पकड़कर अस्पताल में रखा है। ऐसी बात है ईजा, तो मैं भी अस्पताल जाता हूँ, गांव के सारे लोगों को लेकर जाता हूँ। साहब जी, साहब जी बाहर में चाहिए, जिसका हमें डर था वही वहाँ। लगता है वीरभद्र ने अपने गुंडे भेज दिए हैं। आप यही रुके, मैं दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके आता हूँ। शेखर हाँ मैं देखू, लेकिन आपने क्या सपना देख लिया? माँ को कैसे एहसास हो जाता है सब कुछ? साहब जी बेटा माँ की आत्मा का हिस्सा होता है, पता तो चली जाएगा। साहब जी आपने माता जी का सब बता दिया ना? नहीं सर। साहब जी आपको माता जी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। सच बोलकर भी उनकी नींद खराब करने से क्या फायदा? एक बार एसपी साहब को इन दोनों को सौंप दूं तो मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। फिर माँ को बताऊंगा कि उन्हें जो सपना देखा था वो बिना सिर पैर का नहीं। ठीक है साहब जी, मैं आपके लिए चाय लाऊं साहब जी? हाँ ठीक है ला लो। नेताजी सही कह रहे हैं, उस डॉक्टर ने ही योगेंद्र और विक्रांत को कहीं छुपाया है। पर डॉक्टर उन दोनों को छुपाएगा कहां? अस्पताल, अस्पताल में ही उन दोनों को छुपाया होगा, इसलिए हमें अस्पताल में छापा मारना चाहिए। चलो चलो उठ। अरे जागो मेरे मोहन प्यारो, मेरे देश के जवानों जागो, मेरे सूरज चांद कुछ काम कर लो। चलो छापा मारने चलना है। कहाँ छापा मारना है सर? मुनिधार के अस्पताल में। पर साहब वहां छापा मार के क्या मिलेगा? खबर आई है कि उस डॉक्टर ने अंधेरी रात में बिरजू पर हमला करके योगेंद्र और विक्रांत को उठा ले गया है, और उसका मकसद है कि उन दोनों को कोर्ट में पेश करे, और मेरा मकसद है कि हम उन दोनों को डॉक्टर के चुंगल से छुड़ा लें। लेकिन साहब इतनी रात को गांव में जाना ठीक नहीं होगा, खतरा हो सकता है साहब। तो यहाँ टांग पे टांग रख कर सोना भी ठीक नहीं रहेगा। वो वीरभद्र अगर चाह लिया ना तो जिंदगी भर हमें घर बिठा कर सुला देगा, इसलिए किसी भी हाल में हमें उस डॉक्टर के चुंगुल से योगेंद्र और विक्रांत को निकालना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें गांव से भिड़ना ही क्यों ना पड़े, लाठी चार्ज करनी पड़े, जरूरत पड़े तो गोली भी चलानी पड़ेगी, पर हमें योगेंद्र और विक्रांत को वहां से उठाना ही पड़ेगा। चलो सुनो, गाड़ी में डीजल है ना? हाँ सर। चलो सुनो सुनो, वहां पहुंचकर किसी से डरना नहीं तुम दोनों, बहादुरी से अपने पुलिस वर्दी का रुआब दिखाना उन सबको। चलो आ जाओ, हथियार उठाओ। एसपी साहब का फोन ही नहीं लग रहा है, बहुत देर से ट्राई कर रहा हूं। साहब जी हो सकता है एसपी साहब ने अपना नंबर बदल लिया हो। अरे नहीं नहीं, कुछ दिन पहले ही मेरी इसी नंबर पे बात हुई थी उनसे, शायद कहीं इंटीरियर में हो, जहाँ पे नेटवर्क ना हो। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब फिर से ट्राई करिए। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। वापस वही बता रहा, नॉट रिचेबल। अगर एसपी साहब नहीं आते हैं तो फिर इन दोनों को इंस्पेक्टर के हवाले करना ठीक नहीं है। हम लोग इनको अस्पताल में ही छुपा कर रखेंगे, सुबह सीधा एसपी साहब के ऑफिस में जाके पटकेंगे। काका
इंस्पेक्टर तो इनकी खोज में होगा और उधर वीरभद्र ने उसका इनाम भी घोषित कर दिया होगा। अब तक रहने दो इंस्पेक्टर को खोज में और ढूंढने दो इन लोगों को, उनके हाथ ना लगने देंगे। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पहरा देना पड़ेगा, रात भर जगना पड़ेगा, जगेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। रामपाल, चाहे कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों न हो, हमारे रहते इस गांव में इतनी रात को घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता ना। तकराम बेटा, दो कप चाय बना दे और उसके बाद तू अपने और डॉक्टर साहब के सोने का इंतजाम कर। सुबह आप लोगों को, मरीजों को भी देखना है। काका, चाय तो हम बना के ला रहे हैं लेकिन हमको नींद नहीं आएगी। मैं भी आप लोगों के साथ यहाँ पहरा दूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पुलिस आ रही है। इसका मतलब वो इंस्पेक्टर इन दोनों को लेने आया है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंस्पेक्टर यहाँ से खाली हाथ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हैं हम। डॉक्टर साहब, धर्मपाल, आप दोनों मेरे साथ बाहर आइए और सकाराम दरवाजा बंद करना, इंस्पेक्टर को बाहर गेट पर ही रोकते हैं। जी काका। आइए। सब लोग एकदम नॉर्मल रहो, हरकू काका, सकाराम, सब नॉर्मल रहो वरना उनको शक हो जाएगा। धर्मपाल पीछे, तू पीछे रहो, पीछे रहो, मैं और डॉक्टर साहब बात करेंगे जो भी बात करनी है। डॉक्टर साहब, हम आपके साथ में हैं। डॉक्टर साहब, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम आपके साथ में हैं। सब नॉर्मल हो जाओ। डॉक्टर साहब, हम आपके साथ में हैं। डंडे नीचे करो। जब तक मैं और डॉक्टर साहब नहीं बोलेंगे कोई हमला नहीं करेगा। बिल्कुल शांत रहो, नॉर्मल रहो। पूछा था तुम लोगों से कि डीजल है कि नहीं है। 5 किलो आप सब लोग यहां गेट पे क्यों खड़े हैं? आपके आने का इंतजार कर रहे थे। हमें पता था कि आप जरूर आएंगे, इसलिए आपको वापस भेजने की तैयारी कर रहे थे। देखो डॉक्टर, जरूरत पड़ी है तो ही पुलिस यहां आई है। ये कोई चिड़ियाखाना या जादूगर नहीं है जो लोग यहां घूमने फिरने आए। हमें खबर मिली है योगेंद्र और विक्रांत इस अस्पताल में छुपे हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कानून को अपना काम करने दें। हमें अस्पताल की तलाशी लेनी है। ना इंस्पेक्टर, ये कानून का मंत्र तुम्हारी जबान से शोभा नहीं देता है। हमको मालूम है तुम कानून का इस्तेमाल किस लिए और क्यों कर रहे हो। अरे फौजी भाई, अब आपको मैं किस अंदाज में समझाऊं कि आप जो कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा अपराध है, और वो भी आप उन अपराधियों को बचाने के लिए कर रहे हो जिनको आप खुद पकड़वाने के लिए, उन्हें सजा दिलाने के लिए रात दिन कोर्ट में भागा भागी कर रहे थे। ए इंस्पेक्टर, तेरी औकात हम सबको, अगर तू बीच गंगा में भी खड़ा होकर के ना सच बोले तो तेरी बात का विश्वास हम ना करेंगे। क्या सोच कर यहां आया कि उन लड़कों को यहां से गिरफ्तार करके उनको भगा देगा? तो ये जान ले, तेरा ये मंसूबा कामयाब ना होगा। भलाई इसी में है कि चुपचाप चले जाओ। ए, आंख वाली बटन, कानून को धमकी देने की कोशिश मत करो। तुम लोग सीधे से मेरा रास्ता छोड़ दो वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, जबरदस्ती में नुकसान तुम्हारा ही है
बेकार में पिटे जाओगे। कदम पीछे रखना, आगे मत बढ़ाना। और लारो, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ और अस्पताल से योगेंद्र और विक्रांत को लेकर बाहर आओ। अगर तुम लोग कानून के राह में रोड़ा डालोगे ना, तो आज सब गांव वालों को हवालात के अंदर ठूस दूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। ले आओ। काट देंगे ये। अब यहां से भाग जाओ, नहीं तो जिंदा नहीं जाओगे। इंस्पेक्टर साहब, यहां से चले जाओ, वरना गाड़ी में लाद कर भेज देंगे यहां से। मुझे समझ नहीं आता, डॉक्टर साहब के सर पे ऐसा कौन सा जुनून सवार है? समाज की गंदगी साफ करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब डरने से होगा भी क्या? वैसे भी शेखर के पास केस के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। पुलिस तो अपना रंग दिखा ही चुकी थी, अगर वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले भी जाता तो वहां भी फिर वही होता। ईजा, शेखर जी ने समाज का भला करने के लिए वीरभद्र से दुश्मनी ली है, उन्हें अपना काम करके ही मानना चाहिए। देखना, मेरा विश्वास है कि वीरभद्र उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। हम सबकी दुआ और भगवान का आशीर्वाद है उनके साथ। अच्छी अच्छी बात तो हम सिर्फ अपने मन को तसल्ली देने के लिए करते हैं। सच्चाई कड़वी होती है और इसीलिए हम सच्चाई को हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली बात तो यही है कि जैसे ही उस वीरभद्र को मौका मिलेगा, वो डॉक्टर साहब पे हमला जरूर करेगा। अरे कैसी बातें कर रही है पाकी? अरे पूरे गांव वाले उसके साथ खड़े हैं। अरे आमा, हम गांव वालों के पास क्या है, लाठी और डंडे? हम उस वीरभद्र का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? उसके पास गोली बंदूक है, वीरभद्र गोलियां चलवा सकता है। डॉक्टर साहब ने उन दोनों को अस्पताल में रखकर बहुत रिस्की फैसला लिया है। बाकी वीरभद्र इतने गाँव वालों के सामने ना तो खुद आने की कोशिश कर पाएगा और ना ही गोलियां चलवाने की हिम्मत रख पाएगा। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। काकी, आपने सुना अस्पताल में क्या हुआ? क्या हुआ? वो दरोगा अपने फौज के साथ अस्पताल को घेर लिया है और डॉक्टर साहब को धमकी दे रहा है। रुक जाओ। राम, कोई हमला नहीं करेगा। क्या कहा इंस्पेक्टर ने? इंस्पेक्टर, डॉक्टर साहब को धमकी दे रहा है कि वीरभद्र के दोनों आदमी को तुमने छुपा रखा है, उनको मेरे हवाले कर दो। तो शिखर ने क्या कहा? उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो दोनों आदमी मेरे पास नहीं है। फिर भी वो इंस्पेक्टर मान नहीं रहा है, वो कह रहा है उनको मैं लेके ही जाऊंगा। जरूर उसे वीरभद्र ने भेजा होगा, अब क्या होगा? पता नहीं, डॉक्टर साहब ने तो मना कर दिया। वो बहस करने लगा तो गांव वाले भी उनके साथ खड़े हो गए और दोनों पक्षों में तनातनी है। अब जो हो, मैं भी वहीं जाता हूँ। ठीक है। डॉक्टर, तुमने कानून से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। कानून के साथ धोखा तुम लोग कर रहे हो। रुपयों की गुलामी करके उनका दिन ईमान के साथ साथ अपनी वर्दी का भी अपमान करते हैं तुम जैसे लालची भ्रष्टाचारी लोग।
शुक्रिया साहब का। इंस्पेक्टर साहब अभी आप यहां से चले जाइए, नहीं तो सच में अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर तुमने कानून से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। कानून के साथ धोखा तुम लोग कर रहे हो, रुपयों की गुलामी करके उनका दिन ईमान के साथ साथ अपनी वर्दी का भी अपमान करते हैं तुम जैसे लालची भ्रष्टाचारी लोग। एसपी साहब का नमस्ते। एसपी साहब जी, वो योगेंद्र और विक्रांत नामक जो दो क्रिमिनल थे, थाने से कोर्ट के रास्ते में जो पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे, हमने उनको पकड़ लिया है। का नया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुकेश पांडे, मुझे विश्वास जी ने इस केस की सारी अपडेट्स दे दी हैं। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सर, योगेंद्र और विक्रांत जो दो क्रिमिनल थे, जो थाने के रास्ते कोर्ट जाते वक्त पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे, हमने उन्हें पकड़ लिया। गुड, आपने उन्हें पकड़कर कानून की बहुत बड़ी मदद की है। थैंक्स सर। एक तरफ जहां हमारे डिपार्टमेंट के लोग इतने लापरवाह हैं कि गिरफ्तार अपराधी उनकी पकड़ से भाग जाता है, वहीं आप जैसे लोग ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ के कानून के हवाले करके कानून की मदद कर रहे हैं। हम और हमारा डिपार्टमेंट आपका बहुत बड़ा आभारी है। खैर, मैं अभी यहां से निकल रहा हूं, बाकी बातें वहीं आकर करते हैं। पर हां, आप उन क्रिमिनल्स को संभाल के रखिए, वो बहुत शातिर हैं, आपकी पकड़ से भाग भी सकते हैं। डोंट वरी सर, वो हमारे साथ ही है और एकदम सुरक्षित है। मेरे साथ में मुनिधार के पूरे लोग हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए सर। और एक बात सर, मेरे सामने यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि उन दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। ये वीरभद्र और जगन्नाथ के हाथों बिके हुए हैं, मुझे इन पर जरा भी भरोसा नहीं है सर। मैं उन दोनों को किसी भी सूरत में इनके हवाले नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, मैं खुद आ रहा हूं। क्या कहा इंस्पेक्टर? एसपी साहब मुझे धमकी दे रहा है, कह रहा है कि तुम सब लोगों को मैं जेल में डाल दूंगा। जरा आप ही इन्हें समझा दीजिए तो बेहतर होगा। ये लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए। तुमने हाथ कर दिया, वो दोनों क्रिमिनल्स वहां हैं। ये जानकारी तुम्हें वीरभद्र ने दी ना, तुम उस वीरभद्र के हाथों बिके हुए हो। तुम्हारी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। लगता है तुम्हें इस वर्दी की कोई इज्जत नहीं है।
जय हिंद सर। इंस्पेक्टर, आज तुमने हद कर दी। वो दोनों क्रिमिनल्स वहां आए, ये जानकारी तुम्हें वीरभद्र ने दी ना? तुम उस वीरभद्र के हाथों बिके हुए हो। एक तो तुमने उन दोनों को कोर्ट पहुंचने से पहले ही भगाया था, आज जब डॉक्टर साहब और मुनिधार के लोगों ने उसे पकड़ाया तो तुम फिर से उन्हें भगाने के लिए पहुंच गए। तुम उन क्रिमिनल्स से मिले हुए हो, तुम्हारी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। लगता है तुम्हें इस वर्दी की कोई इज्जत नहीं है। मैं तुम्हें इस वर्दी से आजाद करता हूं आज और अभी। सर, तुम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचो, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर फैक्स कर दिया जाएगा। सर। और हाँ, उन क्रिमिनल्स को कानून की गिरफ्त में लेने के लिए मैं खुद आ रहा हूं। जी सर। इस बार मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। सर, आई एम सॉरी सर, सर सब माफ कर दीजिए सर। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी इंस्पेक्टर, और इस बार तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तुम जाओ और उस वीरभद्र के तदवे चाटो, और हाँ, एक दिन मैं खुद तुम्हें हथकड़ी पहनाऊंगा। चलो यहां से, अब कोई छानबीन नहीं होगी। एसपी साहब खुद आ रहे हैं, आज जिंदगी का सबसे खराब दिन था। एसपी साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया। काका, आज इसके पाप का घड़ा फूटी गया है। सब लोग शांत रहिए, एसपी साहब वहां से चल दिए, बस थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप जैसे लोगों की वजह से ही समाज में अच्छाई जिंदा है। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए शेखर जी, आपने अपनी जान पर खेलकर जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। काका, आप उन दोनों मुजरिम को लेकर आइए और एसके साहब को सौंप दीजिए। जी डॉक्टर साहब, अभी लाया। मत बोलना, लेके आओ। दोनों को तो सजा दिला कर रहूंगा, और वो दिन भी जल्द आएगा जब इनका सरदार इनके साथ जेल में छुट्टियां मनाएगा। एसपी साहब, ये रहे आपके मुजरिम।